नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता का YouTube चैनल और मैं हूं नवीन। ICC विश्व कप 2019 का छठा मुकाबला सोमवार को काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। दो बराबर की मुकाबले की टीम इस बार मैदान पर सामने होंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुकाबले की। विश्व कप से पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज खेली गई थी, जहां पाकिस्तान ने बल्ले से अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान सीरीज हार गया था। हालांकि इस सब के बावजूद मैच में पाकिस्तान पर दबाव होगा। पाकिस्तान की टीम विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले इंग्लैंड ने अपने घर में खेली गई 5 मैच की वनडे सीरीज में 4-0 से पाकिस्तान को हरा दिया था। दरअसल विश्व कप से पहले पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सामने हार का सामना करना पड़ा था। विश्व कप में पाकिस्तान की टीम का हार का सिलसिला जारी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व कप के अपने पहले मैच के दौरान भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। विश्व कप 2019 के दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के सामने 21.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था। इस मैच में एक खास बात यह है कि यह एक ऐसी पिच पर मैच हो रहा है जहां इंग्लैंड ने 2 बार सबसे ज़्यादा वनडे स्कोर बनाया है। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर इस मैदान पर 444 रन का आंकड़ा बनाया था। इसके बाद पिछले साल ही नॉटिंगम के टेंटब्रिज मैदान पर इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 481 रन बनाया था। इतने बड़े स्कोर्स बनने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इंग्लैंड की टीम इस मैच में 500 का आंकड़ा छूना चाहेगी। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड फिलहाल लय में है। इंग्लैंड की टीम को पहले ही विश्व कप का दावेदार बताया जा रहा है। विश्व कप के पहले मैच में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 104 रन से हराया है। खिलाड़ियों की बात करें तो इंग्लैंड की टीम में जेसन रॉय, जॉय रूट, इयान मॉर्गन और बेन स्टोक्स जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास फखर जमा, बाबर आजम और इमामुल हक जैसे अच्छे बल्लेबाज तो हैं, लेकिन वो अपनी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की कमजोरी की बात करें तो एशियाई देश की टीमों के बल्लेबाज अक्सर इंग्लैंड में ऊंची और छोटी गेंद खेलने में असमर्थ नजर आते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की यही कमजोरी नजर आई। पाकिस्तान के बल्लेबाज शॉर्ट गेंद से पार नहीं पा सके और अपना विकेट गंवाते चले गए। बहरहाल पाकिस्तान के बल्लेबाज अगर रुक कर ये मैच खेलते हैं तो मैच दिलचस्प होगा। बतौर क्रिकेट प्रशंसक मैं यही चाहूँगा कि दोनों टीमों के तरफ से विकेट, चौके, छक्के की बहार हो और दर्शकों का बखूबी मनोरंजन हो। बहरहाल क्या होगा ये तो अगला मैच ही बताएगा। आप खबरों के लिए जनसत्ता.com के साथ बने रहिए। नमस्कार।